तो आइए आगाज करते हैं कैसे टॉपिक को लेकर जो 10वीं क्लास के केमिस्ट्री विषय में सबसे फेमस क्वेश्चन माना जाता है, उसका नाम होता है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। संरचना सूत्र का मार्केटिंग बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से आप देखोगे तो लगातार कई सालों से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपको हम बता दें कि केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में 10वीं क्लास के रसायन शास्त्र में एक एक प्रश्न नंबर या बोर्ड में बनाना पड़ता है, पूछेगा दो गो बनाओगे एक गो। तो यदि आप संरचना सूत्र पर पूरा कमांड कर लेते हो तो अन्य सभी प्रश्न नंबरिया ताक झां करना ही नहीं पड़ेगा, अन्य सभी पर केवल संरचना सूत्र खींचकर आप प्रश्न नंबरिया फाइनल कर सकते हैं। तो संरचना सूत्र खींचने के लिए आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पता होनी चाहिए। तो वहीं आज की क्लास में हो सकता है दो वीडियो में संरचना सूत्र बताया जाएगा। आज बताया जाएगा क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद वाला होगा उसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, हैलोजन, ये सब बता दिया जाएगा। बस इतना ही में आपका 5 नंबर संरचना सूत्र हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछता है कोई भी 5 गो सूत्र पूछ लेगा और कहेगा कि इसका संरचना सूत्र खींचिए, तो आप आसानी से इतना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संरचना सूत्र बताने से पहले हम आपको हाइड्रोकार्बन बता देते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही संरचना सूत्र बनता है, सूत्रवा बनता है। तो हाइड्रोकार्बन हेडिंग रहेगा या फिर पूछ लेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का है, तो आपको बताना होगा हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है हाइड्रोजन तथा कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिलाने से जिस यौगिक की प्राप्ति होती है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक नाम होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब किसी यौगिक के परमाणु के बीच एकल बंधन का निर्माण होता है। एकल बंधन मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंधन का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब किसी यौगिक के तत्वों के बीच एकल कार्बन, या फिर कह देना जब किसी यौगिक के परमाणुओं के बीच एकल कार्बन का निर्माण होगा, मतलब एकल बंधन मतलब हम आपको बता दें कि बंधन 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब एक एक बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड, तीन को बॉन्ड बनाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप इतना बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह आता है, इसका नाम होता है एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब किसी यौगिक के तत्वों के परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध बनता हो, मतलब नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। इस प्रकार के यौगिकों को आप कहोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहोगे। अब एल्केन की बात हम कुछ कर ले, एल्केन क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इसके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड का निर्माण होता है। एन बड़ा है बराबर 1 होता है, इसका मतलब है कि यन के मान हमेशा 1 आप रख सकते हैं या 1 से 12 रख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है जो आप यहाँ एन देख रहे हो इस एन के जगह पर 1 रखोगे या 1 से 12 रखोगे, इधर बड़ा का मतलब 1 से 12 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और इसमें जो पूर्व लग्न जोड़ा जाता है शब्दों के अंत में वो जोड़ा जाता है एन, क्या जोड़ेंगे एन, कैसे देखिए एल्केन में 2 शब्द मिलेगा एल्क प्लस एन, इसमें कहो एल्केन, जब कहोगे ना एल्केन तो लास्ट में एन आएगा, इसका मतलब हम मूल नाम में एन जोड़ेंगे। मूल नाम क्या होता है अभी बताते हैं, इतना आप याद रखो एल्केन के शब्दों में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। अभी सब बात हमारे ऊपर आप छोड़ दो, हम आगे बताएंगे क्या क्या काम होता है। एल्किन में एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसमें बनता है द्विबंध बनता है, और इसमें n 12 या बराबर 2 होता है, मतलब आप n के जगह पर 2 रख सकते हैं या 2 से 12 रख सकते हैं, 2 से नीचे आप नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि 2 कार्बनों के बीच में कम से कम 2 बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना आवश्यक है, यही कारण है कि इसमें 2 रखवाता है। उसी प्रकार यहाँ भी आप देखोगे 2 से ऊपर होनी चाहिए एल्काइन में भी, और इसमें एल्किन में आप देखोगे एल्किन लास्ट में इन आ रहा है, इसलिए लास्ट में इसमें इन जोड़ा जाता है। इसमें देखो आप CnH2n-2 फॉर्मूला हो जाता है, इसमें त्रिबंध बनता है, इसमें भी वही हाल है, 2 रखोगे या 2 से 12 यन के मान रख सकते हो। एल्काइन कहोगे आप एल्काइन तो लास्ट में आयन शब्द आ रहा है, इसलिए हम आयन शब्द जोड़ेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ तक बेसिक हुआ। अब हम क्या बताएं आपको,
एक एक करके हम संरचना सूत्र बताते हैं, ठीक है। संरचना सूत्र सीखने से पहले आपको एक मूल बात पता होनी चाहिए। मूल बात कैसे, आइए देखते हैं। आपके प्रश्नों में या आपके क्वेश्चनों में ऐसा टॉपिक कहीं आ सकता है, यदि एगो कार्बन होगा तो उसका नाम क्या देंगे, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में बताया गया है एगो कार्बन होता है तो उसका नाम हम मिथ देते हैं, दो को कार्बन होता है तो एथ देते हैं। ये मूल नाम, इसी को बोलते हैं मूल नाम। क्या जोड़ोगे, मूल नाम। यहाँ आपको हम बता दें मूल नाम में, मूल नाम में क्या जोड़ा जाता है, इसमें एन जोड़ा जाता है, एन। मूल नाम में इन जोड़ करता हूँ, जाकर नाम तैयार किया था, नाम तैयार होता है, नाम तैयार होता है, इस बात को याद रखना। एल्किन में, एल्किन में लास्ट में इन ना है, इन, तो इसलिए मूल नाम में आप इन जोड़ोगे अगर आप एल्किन पढ़ोगे, क्योंकि आपको इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, एल्किन के बारे में, एल्किन के बारे में और एल्काइन के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। हम सबसे पहले एल्केन की बात बोलते हैं, सुनिए अब बारी बारी से। आप अभी अभी देखें एल्केन के नाम, ये नाम याद हुआ, 10 वो कार्बन होगा, अगर आप 10 के सी 10 रखते हैं, यन के मान 10 रखते हैं, इसका मतलब यन 10 के नाम होगा, मूल नाम में डेक होगा। यदि यन की जगह पर सी यन की जगह पर 9 रखेंगे तो उसका नाम नॉन होगा, 8 होगा तो ऑक्ट होगा, 7 होगा तो हेप्ट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा, 5 होगा तो पेंट होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा, 2 होगा तो एथ होगा, 1 होगा तो मेथ होगा। ये मूल नाम है, मूल नाम। रुकिए, एल्केन में हम, एल्केन में अब बारी बारी से जो समान सूत्र आप देख रहे हैं सी एन एस टू एन प्लस टू, तो इसमें क्या देखेंगे, एन के जगह पर भरना शुरू करेंगे, 1 से लेकर 10 तक हम भरना शुरू करेंगे। आपको हम बता दें कि शुरू शुरू क्लास में आप यहाँ देखे हो एल्केन कहाँ से भरवाता है, 1 से भरवाता है, और एल्किन 2 से भरवाता है, और एल्काइन 3 से 2 से भरवाता है। इस बात को आप याद रखो, जब भी एल्केन पढ़ोगे तो एन के मान कहाँ से आप शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे, 1 से ऊपर कितना हो जा सकते हो, एल्किन आप पढ़ोगे तो उसमें 2 से शुरू करोगे और कहीं ऊपर जा सकते हो, एल्काइन यदि शुरू करोगे तो 2 से वो भी शुरू करोगे, इतना बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम भरते हैं यन के मान 1, यन के मान क्या भर रहे हैं, 1। अब सुनिए, और जहाँ जहाँ एन है उसके जगह पर कहने का मतलब 1 भरोगे आप। अब यहाँ देखो ना, सी एन के जगह पर 1 भरोगे तो क्या बन जाएगा, सी 1 होगा ना, सी 1 होगा। अब यहाँ पे यन के जगह 2 एन है ना, 2 एन का मतलब 2 गुणे एन, मतलब 2 गुणे एन का मतलब 2 गुणे एन के मान 1 भरोगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, आ ये प्लस में 2 है तो 2 एक कम 2 और 2 2 4, तो एच के मान कितना हो जाएगा, एच के मान हो जाएगा 4। अगर सी 1 होगा तो एच कितना हुआ, 4। इसी को हम या में करके ऐसे लिख देते हैं C4CH4, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ की भाषा में एक चर के नीचे एक नहीं रखा जाता, एक लिखना उतना उचित नहीं लगता है, तो इसका नाम हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये बन गया CH4 का हो या C1 या H4 का हो, एक ही नाम हुआ, एक मिटाकर यहाँ आप लिख सकते हो। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है एगो कार्बन है ना, एगो कार्बन के नाम क्या है, मेथ। एगो कार्बन का नाम क्या है, मेथ। आप प्लस में आप देखो मूल नाम में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो मेथ हमारा एगो कार्बन है, इसलिए हम मेथ बोलेंगे, और इसमें लास्ट में हम एन जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा मेथेन। क्या होगा, मेथेन। आपसे पूछेगा परीक्षा में मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे CH4, तो CH4 आपका मेथेन का सूत्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा अब इसका संरचना सूत्र, यहाँ लिखोगे इसलिए संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे खींचा जाए, तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको पता होना चाहिए कार्बन हमेशा, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कार्बन हमेशा 4 को बॉन्ड पूरा करना चाहता है, 4 को बॉन्ड, मतलब आपको पता है कि कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, और 2 इसमें पूरा कर लेगा तो वास्तविक कक्षा में 4 बचा, तो 4 को संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमेशा जहां भी सी होगा ना, हमेशा सी अपने आसपास 4 को बॉन्ड पूरा करना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना चाहेगा, तो सी 1 है और एच कितना है, 4, तो आगे पीछे एच आप यहाँ ऐसे दे सकते हो, इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र हुआ, मेथेन का। अब हम बात करते हैं 2 नंबर के, एक कार्बन रखने पर इतना काम हुआ, अब 2 रखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ एन के जगह पर 2 आप रखोगे, 1 नंबर हो गया, मेथेन का बन गया, मेथ आप बना लिए हैं,
आप मेथ तैयार कर लिए हैं, अब क्या तैयार करने वाले हैं, एथ तैयार करने वाले हैं। अब एन के जगह पर आप दो रखोगे तो यहाँ पता चलेगा एन बराबर दो। अब इसका मतलब एन के जगह ये पर आप क्या रखोगे, सी दो रखोगे, एन के जगह पर दो तो सी दो हो जाएगा, और यहाँ एन के जगह पर दो रखोगे ना तो दो दूना चार, चार दो छः, क्योंकि एन जब भी मान रखोगे तो उसमें तुरंत दो से गुणा करेगा और तब जाकर दो जुटेगा, तो दो दूना चार, चार दो छः हो जाएगा। एच के मान कितना होगा, छः होगा, होगा ना। अब बताओ, अब इसमें बताओ सी टू और एच सिक्स, और सी टू का मतलब मूल नाम क्या है, एथ। जब कार्बन की संख्या दो हो तो उसका मूल नाम क्या चलता है, एथ चलता है। यहाँ आप लिखोगे एथ, क्या लिखोगे एथ, आप प्लस देखो इसमें मूल नाम में क्या जोड़ा जाता है, एन, क्योंकि एल्केन के खानदान पढ़ रहे हैं तो लास्ट में एन 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 आएगा, तो हम यहाँ जोड़ेंगे एन, और दोनों जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेन। क्या होगा मेरी जान, एथेन होगा, एथेन। आपसे परीक्षा में पूछेगा एथेन का सूत्र क्या होता है, तो C2H6 एथेन का सूत्र होता है। अब इसका संरचना खींचने की बारी आ जाए, संरचना, संरचना जब भी खींचोगे तो आपके सामने एक चैलेंज आएगा कि सी टू है तो हम कितना सी लिखें, तो सी आप लिखोगे दो, कितना लिखोगे, पहले सी दो लिख लो, हो गया। और अभी अभी हम शुरू में बताएं, इस बात को हमेशा गेंटर पार लेना, कार्बन हमेशा चार गो बॉन्ड पूरा करना चाहेगा, चार गो बॉन्ड हमेशा पूरा करना चाहेगा, वो चाहे आगे करे चाहे पीछे करे कहीं करे, चार गो बॉन्ड से ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा चार होनी चाहिए। अब बताओ कार्बन एक, कार्बन के एक नंबर कार्बन है और एक दो नंबर कार्बन है, दो कार्बन ने पूछा है ना, दो कार्बन, तो दो कार्बन हमारा हो गया। संरचना का मतलब होगा खंड खंड कर देना, यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन हो गया, और यच देखिए छ है, और आप जानते हैं कि हर एक कार्बन चार गो बॉन्ड बनाना चाहता है, इसके पास एगो आगवा बॉन्ड है ना, इसके पास एगो है, पहले से एगो है, कितना कम है, तीन गो कम है, एगो नीचे दे देंगे, एगो बाएं दे देंगे, एगो ऊपर दे देंगे, चार गो बॉन्ड हो गया, और चारों के पास हम तीन गो के पास यच लिख देंगे ऐसे, ठीक है, यच लिख दिए। अब आगे देखिए, अब आ जाएंगे सी नंबर दो पर, दूसरा सी में देख रहे हैं देखो पीछे इसका बॉन्ड है, ये जो आप बीच में बॉन्ड देख रहे हो ना, ये बॉन्ड दोनों के गिनती में गिना जाएगा, एक नंबर सी में भी बॉन्ड गिना जाएगा और दो नंबर सी में भी बॉन्ड गिना जाएगा, इसके पास भी एक गो है पहले से ये वाला बॉन्ड, और इसके पास कम है, तीन गो, एक गो आगे दे दो, एक गो नीचे दे दो, एक बेर ऊपर दे दो, इसके पास भी कितना हो गया, चार गो हो गया ना। अब आप गिनोगे तो हमेशा इस फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा, दो गो कार्बन यहाँ होगा, एक दो तीन चार पाँच छः गो यच होगा, तो छः गो यच ही हो गया। इसी प्रकार आप, हम दो गो बना दिए हैं, एथ तक बना दिए हैं, आप तीन चार पाँच ऐसे बनाओगे, हम कौन और बनाने जा रहे हैं, आठ नंबर, सी आठ बना देते हैं, इस प्रकार आप देख लोगे, ठीक है। चलो अगर हम तीन नंबर में सी आठ की बात करें, यन के मान आठ, यन के मान यदि हम आठ भरें तो आपको पता होनी चाहिए यन के जगह पर आप आठ भरोगे, मतलब ये हुआ सी आठ हो गया, सी क्या होगा आठ, यन के जगह पर आठ भरोगे तो यच कितना हो जाएगा यन में, और दूसरे गुना किया जाएगा ना, तो यन के मान आठ भर रहे तो आठ गुना सोलह, दो गो बगल में जोड़ोगे तो सोलह गो दो गो अठारह गो, तो सी आठ हो जाएगा और यच कितना हो जाएगा अठारह होगा। इसका नाम आप तैयार करो, नाम कैसे तैयार करोगे, आठ गो कार्बन का नाम यहाँ देखो आप, आठ गो कार्बन का नाम ऑक्ट होता है ना, आठ के कार्बन का नाम ऑक्ट होता है, यहाँ लिखोगे ऑक्ट, क्या लिखोगे ऑक्ट लिखोगे, ऑक्ट में यहाँ देखो हम लोग एल्केन न पढ़ रहे हैं, हमारा खानदान क्या है एल्केन के खानदान, हम तीसरा चरण पढ़ रहे हैं एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केन में लास्ट में क्या जोड़ा जाता है एन जोड़ा जाता है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे एन, क्या जोड़ेंगे एन, आज दोनों मिला देंगे तो होगा ऑक्टेन, ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन हो गया, तो ऑक्टेन का सूत्र हमारे पास आ गया सी आठ एच अट्ठारह हो गया, ये तो सूत्र हो गया। इसके बाद हम खींचेंगे इस क्वेश्चन का संरचना सूत्र खींचेंगे, संरचना सूत्र खींचेंगे, और संरचना सूत्र जब भी आप खींचोगे संरचना सूत्र आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले हम सी जितना होता है उतना बिछा लेते हैं, आठ गो है आठ गो हम बिछा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ गो सी हो गया, जितना सी होगा उतना आप बिछा लो, ठीक है। अब आप एक बात याद रखो, सी कितना बॉन्ड पूरा करना चाहता है, चार गो, हम तो शुरू से बता रहे हैं सी कितना बॉन्ड पूरा करना चाहेगा, चार गो, हर एक सी कितना होनी चाहिए, चार गो, उसके पास कुछ पहले से होता है और जितना चार गो में से कम होता है उतना आपको देना पड़ता है। एगो कार्बन यही पहला नंबर कार्बन है, तो पहला नंबर कार्बन के पास आगवा एगो बॉन्ड है ना, अब चार गो में से एगो तो पहले से उसके पास है, कितना कम है, तीन गो कम है, यहाँ तीन गो आप दे दो, एक दो तीन, तीन गो हो गया, तीन गो दिया गया, आयोग पहले से उसके पास है, पहला नंबर सी मतलब एक नंबर सी चार गो पूरा कर दिया। अब दो नंबर सी के पास चलोगे
इसके पास दू गो पहले से बॉन्ड है, एगो देखो दू नंबर सी है ये वाला, तो दू नंबर सी है एगो आगे बॉन्ड है एगो पीछे बॉन्ड है, दू गो इसके पास बॉन्ड है ना, दू गो कम है, तो एगो नीचे दे दो एगो ऊपर दे दो, हो गया। उसी प्रकार तीन नंबर सी के पास जाओगे तो एगो आगे बॉन्ड है एगो पीछे बॉन्ड है, तो ऐसे ऐसे सब यहाँ तक पहुंच लो क्योंकि सब तो एक ही जैसा है, ऐसे ऐसे आप लिख देना और लास्ट मिनट में ना सबके पास चर्चर को हो रहा है ना, सबके पास चर्चर को हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो लास्ट वाला सी के पास जाओगे तो पहले से एक ही था, ये पहले से एगो था ना, इसके पास अभी तीन को कम है, तो एगो हम आगे दे दी ऊपर एगो नीचे एगो और देना होगा। अब ना चाहते हुआ अब आप इस प्रकार संरचना खींच लोगे, एक इसका हुआ ऑक्टेन का संरचना सूत्र हुआ। इसी प्रकार आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम एन बराबर आठ भरते हैं, दूसरा बात की एन बराबर हम एक भरे हैं, एन बराबर दो भरे हैं, दस गो में से तीन गो हम भर दिए हैं, आप सात गो भरोगे क्योंकि इसमें से सात गो बच रहा है। आप प्रॉमिस करो, वादा करो कि हम सात गो खुद कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे।